अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। खबरदार जो मेरी अम्मी को गाली दी, किस बेसिस पे आप मेरी अम्मी को लापरवाह कह रही है? जानती क्या है आप अम्मी की जिम्मेदारियों के बारे में? आप तो लंदन में थी ना, आपको क्या पता अम्मी ने मन्नत को और मुझे कैसे पाला है? स्कूल के एग्जाम्स हो या जिंदगी का इम्तिहान, अम्मी ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर कदम पे उन्होंने हमारा साथ दिया है। बड़ों की इज्जत करना हो, छोटों से मोहब्बत करना हो, अम्मी ने सिखाया है। दुनिया से कदम मिलाकर चलना अम्मी ने सिखाया है। चाहे खुद तकलीफ में हो फिर भी दुनिया के लिए हंसना अम्मी ने सिखाया है। आप इन पे सवाल उठा रही है? अम्मी रात रात भर जागती थी अब्बू की याद में, और सुबह उठकर मुझे और मन्नत को स्कूल लेकर जाती थी। इस घर को सवारते सवारते अम्मी ने अपनी जिंदगी खराब कर दी है। जरा देखिए मेरी अम्मी को, हमारी फिक्र करने की आदत ने उनके चेहरे की चमक छीन ली है। उनके होठों की मुस्कुराहट चली गई है। सबको खुश रखने में अम्मी ने सारा गम हमेशा अपने पर ले लिया, और आप इन्हें लापरवाह कह रही है? आपको मुझसे तकलीफ है ना, मुझसे शिकायत है ना, जो कहना है मुझसे कहिए, गाली दीजिए, मार लीजिए, अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, हाँ? हट जाओ सामने से, तुम इस इबादत की तरफदारी कर रहे हो? इबादत सच बोल रही है अम्मी, सच बोलने की सजा क्यों? इबादत की गलती है तो सजा दुआ अम्मी को क्यों? मैं मानता हूँ कि बच्चों को पालना पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो खुद के फैसले लेने लगते हैं। यहाँ भी गलती इबादत की है, दुआ अम्मी की नहीं। जितना इबादत ने हम लोगों को दुखी किया अपने तरीकों से, दुआ अम्मी को भी किया है। जितने हम परेशान हैं अपने दुआ अम्मी भी हैं। तो फिर आप दुआ अम्मी को क्यों बेइज्जत कर रही हैं? देख लिया तुमने अपनी करनी का नतीजा, आज तुम्हारी वजह से दुआ अम्मी की बेइज्जती हुई। शर्म आनी चाहिए उस औलाद को जिसकी वजह से उसके माँ बाप का सिर झुक जाए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इबादत, जैसे मैं शर्मिंदा हूं तुम्हें अपना दोस्त कहकर। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।